भट्टी के धंधे में माल अच्छा है सुंदर भाई, लेकिन ये काम हमारे पास का नहीं है, समझ क्यों नहीं रहा है? तुमसे कौन बोलता करने को, तुम खाली फाइनेंस करो बस। तुम्हारे एसपी को फिट करना पड़ेगा, बहुत बचर बचर करता है साला। कुछ बात करना था आपसे सुंदर भाई। हाँ बोल, क्या बता? चल, डाउट हो गया साहब को, बाबा सबके सामने बोल दिए, हमारा नौकरी पर तो आफत आ जाएगा सुंदर भाई। तो क्या हुआ, नौकरी दिलवाए भी तो बाबा ही थे ना। तो फोकर में चिंता मत कर, ये एसपी ज्यादा टाइम नहीं रुकेगा। प्रणाम प्रणाम भैया। प्रणाम अच्छा। बाबा कहाँ हैं? बैठे हैं गार्डन में। जल्दी कुछ कीजिए बाबूजी, ये नया एसपी टिक गया तो बहुत मुश्किल करेगा, आफत कर रहा अपने आदमी लोग पर। बच्चा का बात कर रहे हो? आया था कल हमारे पास, बहुत ही बौखलाया हुआ था। मरने दो साले को, हमरा ही पाला हुआ कुत्ता है, आखिर किस दिन काम आएगा? तुम अपना बिजनेस का फिक्र करो, वो पीडब्ल्यूडी वाला टेंडर का क्या हुआ? कल 4 बजे जाएंगे। प्रणाम भैया। प्रणाम सुंदर भैया, तरन का आवाज सुनते ही रेडी कर दिए थी। क्या टेंशन है बाजार समिति भवन के टेंडर में? कुछ नहीं भैया, वही पुराना राग, खुमचा फेरी वाला सब यूनियन बना के टेंडर भरा है, बिल्डिंग बनाएगा। माजर जात, कितना चूना डाला रे बंशी, मुंह काट गया साला। थूक दीजिए सरकार, दूसरा तैयार कर देते हैं। तुम पहुंचो पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में, टेंडर का टाइम हो गया है। इंजीनियर बहुत कानून बतिया रहा है साला। यूनियन का टेंडर है 27,56,000 और दूसरा टेंडर है 30,35,000 और इस भवन का ठेका दिया जाता है सुंदर कंस्ट्रक्शन को। लगाइए मोहर। देखिए ये जायज नहीं है, जो बोला है वो करो इंजीनियर, नहीं तो आपको बना देंगे हम टोटल नाजायज, समझे? देखिए हम ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब से तेजपुर ज्वाइन किया है तब से देख रहे तुम्हारा नौटंकी, बात कानून छाड़ने लगे हो, कानून छाड़ने लगे हो, कानून छाड़ोगे मदर जात, बात समझ में नहीं आता है? तेजपुर में तुम्हारी चलेगा। याद रखना, सुंदर कंस्ट्रक्शन। आपने पुलिस को स्टेटमेंट देने से मना क्यों कर दिया? एक्सीडेंट हो गया था एसपी साहब, अब उसमें पुलिस कंप्लेंट क्या करना? देखिए अगर आप ही पुलिस की मदद नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं एसपी साहब, हम सीढ़ी पर से गिर गए थे। बहुत जल्दी में है लगता है। उधर देख। अरे बैठिए ना। सुंदर यादव कहाँ है? बहुत भोला बनते हैं आप भी, अरे इतना टाइम बैठ के आपका वेट करेगा? उधर आपने अरेस्ट का ऑर्डर किया, इधर आप ही के हेडक्वार्टर से हमको भी फोन आ गया। सर वो निकल गया सर। सॉरी आपका काम नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम पधारे हमारे गरीब खाना पर, चाह तो पी के जाइए, अच्छा बनाती है हमारी वाइफ। किसने कह दिया आपसे कि हम यहां से जा रहे हैं? 24 घंटे हमारे आदमी यहां रहेंगे, उनकी इजाजत के बिना आप हिल भी नहीं सकते। तो आप हमको घर में अरेस्ट कर रहे हैं? अब तो आप बस देखते चाहिए हम आपके साथ क्या करते हैं। कुछ नहीं कर पाओगे इसमें, तुमने जैसे कई आए और गए, हमारा कुछ नहीं उखाड़ सके।
इस गलतफहमी में मत रहना साधु यादव, जब जिस दिन जरूरत पड़ी घसीट के कोतवाली लेके जाएंगे। और याद रखना, हमारी चाय बहुत कड़वी होती है। हमारे बेटे का अगर बाल भी बांका हुआ ना तो भूकंप हो जाएगा तेजपुर में डीआईजी साहब। नादानी मत करो साधु, अगर अमित कुमार के हाथ लग गया सुंदर तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो बताया वो करो, कोर्ट में सरेंडर करवा के जमानत ले लो, 50 लाख पहुंचा दो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। 50 लाख? अरे 1 करोड़ मांगता था, बहुत कैसे सुन के आधा करवाए हैं। 50% पहुंचाना चाहिए 8 बजे से पहले, बाकी हमारे पास भिजवा दो। ऐसा तो हम पहुंचा ही देंगे डीआईजी साहब, मगर याद रहे हमारे बेटे का जमानत नहीं रुकना चाहिए। एक बेर सुंदर का जमानत हो जाए ना वर्मा जी, फिर देखते हैं आपके इस पागल एसपी को हम। तुम पैसे का इंतजाम करो, फोन कर देना हमको। बात हो गया ना सर? हाँ हो गया, सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। हाँ। लेट हो रहा है। हाँ ना, कहाँ रह गया ये चाय? चाय वो अपना नंबर आने वाले है, सुधर क्या है, बस किसी भी घर पहुंचेगा। यहाँ हाजिर नहीं करे, मगर उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा वो एसपी। अरे आप समझते क्या नहीं, आप लोग आग फोड़ देगा सब।